News 18, India. मुंबई पहुंच गई, लेकिन उनके गिरफ्तार होते ही बवाल हो गया। मुफ्ती सलाम अजहरी के समर्थक मुंबई के घाटकों पर स्टेशन पहुंच गए। उनके थाने का घेराव करने की कोशिश पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज से पहले पुलिस ने उन लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मारा पीटी मुंबई के लोगों के साथ मत कीजिए, हम आपके साथ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिस की चेतावनी के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे। इसके बाद मुंबई के घाटकों पर स्टेशन के आसपास भागम भाग मच गई। पुलिस के लाठियां चलाते ही मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थक झुंड में भागने लगे। इस अफरा तफरी से पहले पुलिस ने इन लोगों से रास्ता खाली करने की अपील की। ये सारा बवाल भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ, क्योंकि गुजरात एटीएस की टीम रातों रात मुंबई पहुंची और मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। इस मामले में जूनागढ़ में कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों पर भी केस दर्ज किया गया। और रातों रात मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई के घाटकों पर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। और इसके कुछ ही समय बाद थाने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों का जमावड़ा लग गया। बात हाथ से ना निकले इसलिए पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी को थाने की खिड़की पर लाई। वहां से उन्होंने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। लोगों से शांत रहने की अपील के साथ ही मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुद पर लगे आरोप भी नकार दिए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, किसी क्राइम पर मुझे ना लाया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी के जिस बयान पर ये सारा बवाल हुआ वो उन्होंने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में दिया था, और उनके बयान का वीडियो वायरल हो गया। इस बयान का कनेक्शन ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने से जोड़ा गया, क्योंकि 31 जनवरी को ही वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया था। और उसी दिन जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अजहरी ने ऐसा बयान दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अपने इसी बयान की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए, और जो हुआ है उसमें जो भी लीगल है उसका वो एक्शन लिए जाएं। भड़काऊ बयान देने के आरोप में केस दर्ज होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से अहमदाबाद लाया गया।